सबसे पहले तो सिंध गवर्नमेंट का जो सिंध कल्चर डिपार्टमेंट है उसका बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। दूसरा ये कि एक छतरी के नीचे आपने तमाम कल्चर की एग्जीबिशन करके इस बात को साबित कर दिया कि इस तरह के जो इकदाम हैं वो न सिर्फ सिंध सकाफत को सिर्फ नेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकता है बल्कि इंटरनेशनली भी कर सकता है, क्योंकि इस तरह की आर्ट एग्जीबिशन पाकिस्तान में और बिलखसूस सिंध में एक दौर के अंदर नामुमकिन थे, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हुआ और एक अब जो अच्छा दौर आना शुरू हुआ है और जिसके अंदर हमने चीज़ों को बदलते हुए देखा, तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा एग्जीबिशन है। मुझे लग रहा है कि इस एग्जीबिशन की वजह से टूरिज़्म बहुत प्रमोट होगा, क्योंकि बहुत सारे इलाके सिंध में हैं जिसमें टूरिज़्म नहीं जाता, यहाँ के लोग कहीं या तो नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं, तो ये चीज़ें देख के उनमें अवेयरनेस आएगी तो वो भी ट्रिप वगैरह बनाएंगे, टूरिज़्म प्रमोट होगा, लोकल इकोनॉमी डेवलप होगी। बेहतरीन एग्जीबिशन है जैमें खासकर सिंध जो कल्चर नुमाया कहो और पुरानो कल्चर आ सिंध और बलूचिस्तान जो तो पुरानो ताल्लुक रो कल्चरी हवाले से भी एक बे मिलदा जुलदा है, जैमें कुछ शेम ऑब्जर्व कम वे सिंध बलूचिस्तान की सागी शन। पहली दफ़ा गवर्नमेंट की तरफा जो यो इनिशिएटिव वरतो वो है कि फोटोग्राफिंग के एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिते असा सभी आर्ट के डिस्प्ले करा सकूँ, अड़ा इवेंट्स अड़ी काविशू थन खन सिंध गवर्नमेंट की तरफ। यहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कल्चर हेरिटेज को लेकर, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी हुई हैं, काफ़ी डिटेल्ड फोटो जिसमें लग रहा है फोटोग्राफर्स की काफ़ी मेहनत है। इसमें सिंध की ट्रेडिशनल रिलीजियस तस्वीरें हमने देखी हैं यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा सिंध के कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रही है, ब्यूटी सिंध की ब्यूटी का पता चल रहा है इससे। सच अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि काफ़ी अर्से से कोविड की वजह से एग्जीबिशन और इन सारे इवेंट से कटे हुए थे, तो आफ्टर कोविड मतलब एक छत के नीचे मुझे इतने सारे कल्चर देखने को मिल गए जो कि इन दिनों काफ़ी मुश्किल था, मतलब मेरे लिए मुश्किल था अगर मैं एक एक कल्चर को जाकर देखूं, तो मुझे एक छत के नीचे सारे कल्चर देखने को मिल गए। बहुत अच्छी फीलिंग्स है। सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगी कल्चर डिपार्टमेंट का जो आज के टैलेंट के लिए इनकी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में हमेशा ऐसा होता है कि जो टैलेंट होता है उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, एक वक्त तक होता है कि उस चीज़ की बहुत हाक होती है उसके बाद वो गायब हो जाती है, लेकिन हमारी सिंध की जो खूबसूरती है हमारे कल्चर की जो खूबसूरती है उसको आप कैमरा की आंख से पूरी दुनिया को दिखाते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। इस एग्जीबिशन में आपने जो मेहनत करी है अपनी सारी चीज़ें दुनिया को दिखाई हैं वो आप इस पिक्चर्स की फोटोग्राफी के जरिए सबको दिखा सकते हैं, तो इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने और अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। हुकूमत जो एकड़ो वाहिद खातो है जैं कोरोना वबा के दौरान सेहत खाते वांगे पैंजे सरगर्मियन के जारी रखियो, जिते सोशल डिस्टेंसिंग गाली उते उनके डिजिटलाइज करे सरगर्मियन के बहाल रखियो है, ऐं अज जी कई फोटोग्राफी और कारुंजर का कश्मोर कराची जो खूबसूरती ॾिठी आहे ऐं नेचुरल खूबसूरती जंहिंमें का बि एडिटिंग न थियल आहे हुन कुंड खां वठी हिन कुंड ताईं ॾाढी ख़ुशी थी आहे। मूंखे अॼु ईअं महसूसु पियो थिए त आउं हिकिड़े ट्रेन में वेठो आहियां ऐं उहा ट्रेन शुरू थी आहे कराची खां ऐं कश्मोर ॾांहुं वञे पई थी, ऐं विच में आउं गोरख वेठी आहे, किंझर बि, मकली बि, कारुंझर बि, थर बि, ऐं हिन सॼे हाल में समूरी सिंध ॾिठी आहे। मूंखे इंतिहा ॾाढी ख़ुशी थी आहे, हिते असांजे अबाड़नि जूं रवायतूं बि उन फोटू में पाण खे मिलियूं आहिनि, त जदीद कराची जा जेके ख़ूबसूरत मंज़र आहिनि उहे बि असांखे हिते ॾिसण मिलिया आहिनि, ऐं मूंखे त इंतिहा ॾाढी ख़ुशी थी आहे ऐं एप्रिशिएट कयां थो इन सॼे खाते खे ऐं इन खाते जा जेके मिनिस्टर आहिनि, सेक्रेटरीज़ आहिनि या ॿियो जेको अमलो आहे, नंढे खां वठी वॾे ताईं हर कंहिं पंहिंजी कोशिशि कई आहे त इन खाते में जेको सरगर्मियूं आहिनि कोरोना वबा जे दौरान बहाल हुजनि, ऐं ॾिसां ॾिठो आहे अॼु त हुननि जे कोशिशूं कयूं आहिनि उहे कामयाबु वियूं आहिनि। असांखे ॾाढियुनि ॻाल्हि जी ख़ुशी थी आहे त यंग जनरेशन जे लाइ बि हाणे कल्चर में को स्पेस क्रिएट थी चुको आहे। हमेशह खां सकाफ़त खाते जॾहिं बि ॻाल्हि थींदी हुई त यंग जनरेशन खे हमेशह पासे रखियो वेंदो, लेकिन हाणे जेको लाचारी साहब हिननि जी टीम मेरीन जेका छोकिरी आहे हिननि सभिनी मिली करे जेको इनिशिएट वरितो आहे गैलरी जो, ऐं ॾाढो सुठो आहे। इहो माण्हुनि जी हिकिड़ी कनेक्टिविटी आहे पंहिंजे कल्चर सां, यंग जनरेशन जेका अॼुकल्ह मुख़्तलिफ़ एप्स ते बिज़ी थी चुकी हुई हुनखे वापसी पंहिंजे कल्चर असांजी तरफ़ खणी आया आहिनि, इहा ॾाढी सुठी हिकिड़ी सुठी आमद आहे, जेको नओं चिराग आहे जेको इनशाला हर साल थींदो रहंदो, उमेदु असांखे इहा आहे। सच पुछो त मां पहिरीं दफ़ो इन फोटोग्राफी जी एग्ज़ीबिशन में आयो आहियां, बिलीव कयो मूंखे ख़बर कोन हुई त हिते एॾो मज़ो हूंदो, अहिड़ा इवेंट ऑर्गनाइज़ थींदा रहनि,
असां वटि वॾा आर्टिस्ट पैदा थी सघनि था। अॼु यहां पे हम सिंध डिपार्टमेंट में आए हुए हैं और ये फोटो एग्ज़िबिशन चल रही है। आते के साथ ही एक जो जुनून होती है, खुशी की लहर होती है, वो इंसान के जिस्म में जो है महसूस की जा सकती है, क्योंकि यहां पे जितनी भी मैंने तस्वीरें देखी वो इंतहाई खूबसूरती से कैप्चर की गई हैं और सिंध के अंदर बाहर खूबसूरत बिगड़ी हुई शक्ल को भी जो है इन्होंने डिस्प्ले किया है, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है, डिस्प्ले किया है, और जो कैमरामैन है उन्होंने जिस तरह से उन पिक्चर्स को कैद किया है वो अपनी मिसाल आप है। मैंने सबसे पहले तो ये ब्रोचर देखा, इसमें मालूम ये हुआ कि फोटोग्राफर जो हैं 40 पार्टिसिपेंट हैं और उनकी जो फोटोग्राफी मैंने देखी है उनमें बड़ी प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है और ख़ास तौर पे जो सिंध का जो बड़ा रिच कल्चर है, जो कि मोहनजोदड़ो 5000 ईयर के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, या फिर मैं उमरकोट के हवाले से बात कर रहा हूँ जहाँ थरी लोग मौजूद हैं, तो उनकी जो पिक्चराइजेशन है वो ब्यूटीफुल। मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये सिस्टर कंसर्न है और मैं अगर यहाँ पर नहीं आता तो मेरी बड़ी बदनसीबी होती, और आई एम वेरी हैप्पी टू होल्डिंग दिस एग्जीबिशन बाय कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एंड क्रेडिट गोज टू मिस्टर सरदार अली शाह साहब। बहुत अच्छा लगा ये, मुझे अपनी तरफ से ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी कोशिश है सिंध कल्चर को दिखाने की और उसके जो खूबसूरती है उसको बाहर निखार के लेके आने की, क्योंकि मैंने यहाँ पे इतनी सारी ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने खुद पहली दफ़ा देखी हैं। सो अगर यहाँ पे अगर लोग आएँ या अगर हम उसको किसी तरह लेके जाएँ तो फिर वो बहुत अच्छा एक कदम होगा। इस खूबसूरत से एग्ज़िबिशन के पीछे जिनका हाथ है, बहुत सी मेहनत है, और जिन्होंने पूरे सिंध को इस एक हॉल के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। आप यहाँ पर कल्चर देखेंगे, सिंध का हेरिटेज देखेंगे, मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो सिंध के अंदर रहते हैं प्यार भरे। तो बहुत बहुत शुक्र गुज़ार हूँ सिंध कल्चर डिपार्टमेंट का कि जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये स्टेप लिया, और हम जैसे जो स्ट्रीट फोटोग्राफ़र्स हैं जो यहाँ वहाँ आवारागर्दी करते रहते फ़ोटोग्राफ़ी की, जिनका कभी एग्ज़िबिशन में कभी कोई हिस्सा नहीं मिला, तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हम अपना जो काम है वो पूरे सिंध को, पूरे पाकिस्तान को, ना बल्कि पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि यार हमारा सिंध जो है वो इतना खूबसूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, डीजी कल्चर का और तमाम उन लोगों का जो कि इस पूरे इंतज़ाम के पीछे हैं। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, कराची और पाकिस्तान भर से डिफरेंट फोटोग्राफ़र्स, इवन के इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स ने भी अपनी तस्वीरें यहाँ पर पेश की हैं, जिसका मकसद है कि हम आकर सिंध की खूबसूरती और वो खूबसूरती जो कि हमें शायद नेट पर भी ना मिले वो इन तस्वीरों की बदौलत हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैं दावा देना चाहता हूँ मेरी नाशमी साहिबा को जो आके इस एग्जीबिशन के हवाले से अपने व्यूज दें। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम, और दूसरा बहुत बहुत शुक्रिया इस ओपन कॉल के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। पिछले 3 दिनों से जो लोग अटेंड कर रहे हैं, आ रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और लोगों को भी भेज रहे हैं, ये हमें हम सबकी एक जो है कंबाइंड काविश है। हम सब इकट्ठे जो है आर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर जो यहाँ पे गैलरी सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो गैलरी कंस्ट्रक्ट हुई है और उनका ये पूरा इनिशिएटिव है, सो ये बहुत अच्छा माइलस्टोन है। एक मॉन्यूमेंटल जगह पे लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी के सामने ये गैलरी कराची के मेन पब्लिक एरिया में कंस्ट्रक्ट की गई है। सो इट्स एन अदर एक और माइलस्टोन हमारे पाकिस्तानी आर्ट सीन के लिए शुरू हुआ है, एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है। सो इस सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा सिंध कल्चर का हाथ है, और सबसे बड़ी बात होती है पार्टिसिपेट करना, तो पार्टिसिपेट करते रहिए। जो भी आप ओपन कॉल्स देखें, एज अ क्यूरेटर मैं कहूँगी कि अपना काम जैसा भी हो भेजते रहिए, और जो आपको सीनियर्स का काम नज़र आता है तो वो उससे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। ये बड़ी अच्छी एक एग्जीबिशन है, और ख़ासतौर पर यह लाशारी साहब की एक बहुत बड़ी एफर्ट्स है कि इतनी अच्छी आर्ट गैलरी इन्होंने बनाई। आप लोग बार बार आइए और इसको एग्जीबिशन देखें या जो भी होगी और देखें, और सिंधी कल्चर जो मैं अक्सर करता हूँ क्योंकि मैं 30 इयर्स से सिंधी कल्चर को फोटोग्राफ कर रहा हूँ, और अभी आपको रिसेंटली बताऊँ मेहरगढ़ के जो बलूचिस्तान में नवार निकले हैं आर्कियोलॉजी, उससे एक चीज़ प्रूफ हो रही है कि हम इंडस जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उससे ज़्यादा पुराने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि हम उससे पुराने हैं।
तो यहाँ पे जितना भी सिंध का वर्क हो रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, चाहे वो फोटोग्राफी फॉर्म में हो, पेंटिंग फॉर्म में हो, या स्कल्पचर हो, और भी दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट है, वो सब है, वो आके देखिए। और मैं लाशारी साहब को वंस अगेन मुबारकबाद देता हूँ, मेहरीन को भी, कि जिन्होंने इतना अच्छा शो कंडक्ट किया। थैंक यू। मैं कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मिनिस्टर कल्चर सैयद सरदार अली शाह, अकबर लगारी सेक्रेटरी कल्चर, और अपनी पूरी कल्चर की टीम की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सब पार्टिसिपेंट का जिन्होंने कल्चर डिपार्टमेंट की इस एग्जीबिशन में शिरकत की। तो ये एक खूबसूरत हमने मजमा इकट्ठा किया है, जिसमें खूबसूरत सिंध को, जिसको हमने अक्स सिंध के नाम से जो है एक टाइटल दिया, और इसमें थीम हमारा यही था कि सिंध का जो है कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, फूड, और सिंध से रिलेटेड जो भी लैंडस्केप है, नेचुरल ब्यूटी है, उन सबको जो है हम यहाँ पे शामिल करें। ये फर्स्ट टाइम है कि कल्चर डिपार्टमेंट ने प्रॉपर एक आर्ट गैलरी इस्टेब्लिश की है, और ये गैलरी कल्चर डिपार्टमेंट की है, इसका मतलब है आप सब लोगों की है। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए भी हो रही है कि जितना दिल से और शौक से लोगों ने इसमें शिरकत की, एक तो ये परमानेंट गैलरी अब हो गई कल्चर डिपार्टमेंट की, और मैंने पहले भी कहा कि कल्चर डिपार्टमेंट हम कोई कमर्शियल डिपार्टमेंट नहीं है, हम कोई बिजनेस के लिए ये चीज़ें नहीं करते, हम आर्ट लवर भी हैं, आर्ट प्रमोटर भी हैं। हमें शायद फ़ोटो निकालना या पेंटिंग करना नहीं आता, लेकिन फोटोग्राफ को और पेंटिंग को लव करना, ये तो हमें कम से कम ज़रूर आता है थोड़ा बहुत। इस आर्ट गैलरी में अगले अप्रैल तक, फरवरी मार्च अप्रैल तक, जिसको भी यहाँ एग्जीबिशन करनी है, टोटली फ्री होगा हमारी तरफ से। ये आज वाला जो फंक्शन एंड हो रहा है, अब ये एंड नहीं है, स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। मैं इन फोटोग्राफर को बुलाने जा रहा हूं जिनकी तस्वीरें महकमा सकाफत सिंध के कैलेंडर में लगाई जाएंगी, टॉप 12। चाहता हूँ मिस्टर हबीबुल्ला साहब, डिप्टी डायरेक्टर कल्चर को, जो स्टेज पर आए और हमारी जूरी को अजरक का तोहफा देंगे। अब हम इस एग्जीबिशन के विनर अनाउंस करने जा रहे हैं। नंबर 3 पर है फुरकान, सेकंड पे है फरहीन वसीम, नंबर 1 पे है एड्रियन लिस्ली लोबो,